हेलो एवरीवन, मैं राधा, मेरे कुकिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लौकी का हलवा बनाएंगे। हमने 1 किलो लौकी लिया हुआ है, इसे धोकर अच्छे से पोंछ लिया है। अब हम इसे छील लेंगे। हम किनारों को काट लेंगे, थोड़े बड़े बड़े टुकड़े काट लेंगे। अब हम इसे एक किसनी लेंगे और इसे कीस लेंगे। हमें आइट साइड का ही कीसना है, जो बीच का रहता है इसे नहीं कीसना है। बीच का जो पल्प रहता है हम इसे नहीं कीसेंगे। हमने सारे लौकी को कीस लिया हुआ है और जो बीच का गुदा बचा हुआ है इसे अलग निकाल दिया है। अब हम इसे किसी भी यूज में ले लेंगे, सब्जी बना लेंगे या फिर किसी भी यूज में ले लेंगे। अब हम हलवा बनाते हैं। तीन बड़े चम्मच घी डालेंगे। हमारा घी गर्म हो चुका है, अब हम किसी भी लौकी डाल देंगे। इसे किसने के बाद तुरंत ही हलवा बना लेना है, नहीं तो ये काली पड़ जाएगी। इसे हम 2 मिनट के लिए ऐसे ही भून लेंगे। दो मिनट के लिए हमने किसी भी लौकी को भून लिया है। हमने 1 लीटर दूध लिया हुआ है, जिसे हमने बॉईल करके 1 गिलास कर लिया है। अब हम इसे भी ऐड कर देंगे। अगर आप मावे का इस्तेमाल कर रहे हो तो आधा ग्लास दूध में भी आपका हलवा बन जाएगा। मैं यहाँ मावे का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैंने दूध को अच्छे से बॉईल करके 1 गिलास करके यूज कर रही हूँ। अब हम इसे ढक के मध्यम फ्लेम पे पकाएंगे। हम 10 मिनट के लिए पकाएंगे। हमारा जब तक लौकी का हलवा पक रहा है, जब तक हम ड्राई फ्रूट को फ्राई कर लेंगे। हमारा घी गर्म हो चुका है, हमने बादाम लिए हैं, किशमिश ली है, चारोली ली है। आप किसी भी ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हो। दस मिनट ढकने के बाद हम बीच बीच में इसे चेक करते रहेंगे ताकि ये जले ना।
पका लिया है। अब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। एक कप चीनी ले रहे हैं हम। अगर आपको मीठा पसंद है तो आप और ले सकते हैं। इसे भी मिला देंगे अच्छे से। ये देखिए चीनी डालने के बाद और पानी छोड़ चुका है हलवा। अब हम इसे बिना ढके लगातार चलाएंगे और पकाएंगे। इसे पानी सोखने तक चलाएंगे, ऐसे ही इसे लगातार चलाएंगे वरना ये तले से लग जाएगा। ये देखिए हमारे लौकी के हलवे ने कितना पानी सोख लिया है। हम इसे ऐसे ही और चलाएंगे। हमारा हलवा ठीक हो चुका है, बनने की स्टेज पर है। अब हम इसमें एक पिंच फूड कलर ऐड करेंगे, ग्रीन कलर। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट भी ऐड कर देंगे। ड्राई फ्रूट डालने के बाद हम इसमें एक चम्मच घी और ऐड कर देंगे, इसका टेस्ट और इससे अच्छा आएगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दो तीन मिनट के लिए कम फ्लेम करके इसे ऐसे ही मिक्स करते रहेंगे। फ्रूट कलर अगर आप चाहे तो ही डालिए वरना इसे स्किप कर दीजिए। एक चम्मच इलायची पाउडर भी ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम गैस बंद कर देंगे। हमारे हलवे ने घी छोड़ना चालू कर दिया है। ये देखिए अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। गैस ऑफ कर दिया है। हम इसे दो मिनट के लिए यूं ही ढक देंगे। लौकी का हलवा बनकर रेडी है।